अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अभी चाय बना रही हूँ। एक दफ़ा बना के हमने नाश्ता तो कर लिया था, चाय बना के पी रही थी, साथ में ब्रेकफास्ट भी ले लिया था अच्छा सा सिंपल सा। और अभी जो है दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि जो शानदार जो है वो पीना है। और यहाँ पर मैंने रखे हैं एग्स। एग्स को जो है ना, जो पानी एग्स के लिए मैंने लिया है उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर दूध मिक्स कर दिया। तो अब ये जितना भी बॉयल होगा ना, पैन जो है वो ब्लैक नहीं होगा। तो ये इसकी एक टिप है। या तो वैसे लेमन जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा मसला लगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि लेमन भी अगर आप डाल देना तो उससे भी पैन जो है वो ब्लैक नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे पता नहीं फिर एग्स जो है वो किस तरह के बनेंगे, मैंने कभी डाला नहीं है। तो अभी दूध हमेशा से मैं डालती हूँ तो वो ब्लैक नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना, पत्ती मैंने डाल दी है, ये है जी दूध। एग्स जो है वो हो गए हैं बॉयल और अब इनको करते हैं हम पील करते हैं इनको। गरम भी है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। ये देखिए, इस तरह करने से ना ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है नरम, आराम से इसका जो छिलका है ना, झिल्ली अगर साथ में ये फट जाए ना, ये झिल्ली, तो फिर तो इतने आराम से उतरता है ना ये। लेकिन अभी गरम है एक्चुअली, मैं इसको पूरा ऐसे प्रेस करके निकाल नहीं पा रही हूँ। ये देखें इस तरह से चलें जी, पहले ये खा लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। अभी जा रहे हैं हम ज़रा उस्मानिया तक, ये कुछ धागे जो है वो लेने हैं और फिर इंशाल्लाह आते हैं जल्दी से वापस, खाना भी बनाना है। यहाँ पे आए थे उस्मानिया में, इस शॉप से ना मैंने अभी थोड़ी सी नलकियाँ जो है वो ले ली हैं, लेकिन सफ़ेद और ब्लैक जो है ना वो मुझे अभी तक नहीं मिली। तो देखते हैं कहीं और कि इधर इस साइड पे कहीं और कोई शॉप हो तो वहाँ से जो है ना वाइट और ब्लैक बहुत ज़रूरी है वो लेनी है, तो देखते हैं जाके। देसी मुर्गियाँ फिर रही हैं, दिल चाह रहा है एक देसी मुर्गी कटवा ले बंदा। क्या टिक्का बनवाना? टिक्का या कढ़ाई या कुछ भी। देखिए कितनी मजे मजे की, कितनी मज़ेदार है देसी मुर्गी। वो देखिए एक नीचे खड़ी है, बड़ी पर जो है ना वो अपने वो कर रही है, इंजॉय कर रही है। तो आज अभी ना यहाँ पर हम आए, हमने कहा कि ना चाय पीते हैं, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम, बड़ा ठंडा ठंडा सा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का तो कोई इम्कान नहीं लग रहा है, लग भी रहा है थोड़ा सा उधर। इशार क्या मसला है? हाय, इसको कटवाओ जरा, इधर आओ जरा, इधर आओ, मैं तुम्हारी लेग्स देखूं। बड़ा शौक है मुझे मुर्गियाँ रखने का, चूजे पालने का। है कि था? है भी अभी। है भी? अच्छा चल फिर। तो फिर बेरियम क्यों आई थी? बस इधर मुझे क्या पता था, हम नहीं कर सकते, मैं क्या करें। अच्छा। फ्लाइज आ रही है तो क्या करें, अभी जगह देखे नीचे गंद कितना फैला जाते हैं, लोगों को भी सेंस नहीं है ना, वो तो सफाई करते हैं लेकिन अब देखे वो पीछे सारा, वहाँ तक सारा नीचे, रैपर्स शॉपर्स पता नहीं कहाँ से सफ़र करते करते यहाँ पे रुकते हैं, सस्ताने के लिए सारा इनका गंद कर जाते हैं। अभी हमने चाय मंगवाई है, मज़ेदार किस्म की इनकी चाय, बहुत अच्छी होती है। कराची से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ज़्यादा। तो यही इधर उधर से आते होंगे ना, यहीं से स्टॉप किया फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हाँ, ये इधर जो है ना वो रंग लगा देते हैं, ये रंग लगे पड़े हैं देखें, सारा खानदान आ गया चिप्सों पे। खा लो, फुल फैमिली, फुल फैमिली। ए वन मोर, हेलो, ओए हे, दैट्स समवन टू टेक इट, ईट ईट, फ्री में, फ्री के, फ्री के। कोई बात नहीं, आई ऑलवेज लव वाला, हां आई डू दिस वाला, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स एंड गिविंग देम फूड, टेकिंग केयर ऑफ देम। माशाल्लाह, ये तो नंबर 5 शुरू कर दिए। ओए ओए, व्हाट डू यू मीन?
ओई जानी कहती ओई जानी। वो देखो उसको नहीं खाने दे रही, उसको नहीं खाने दे रही, ये कह रही है ये वीक वाली कहाँ है, ये वीक वाली है, वीक नहीं है, ये अंदर से पूरी है, वो से स्मार्ट है ये। ओए जानू आज जरा आज 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 पुलिस के पास हेलीकॉप्टर यहाँ पे आने लगे ना। लो इधर सलाब ना बेचारे वो हो गए, उधर हेलीकॉप्टर नहीं थे तो पुलिस के पास कहाँ से हेलीकॉप्टर आए। मौसम बड़ा अच्छा, बस अब चलते हैं घर, हमने चाय वगैरह पी ली है, मुर्गियों को खिला भी लिए, वो भी तक खा रही है। देखिए इस बेचारी को ऐसे भगाया उन्होंने, सिर्फ इसको भगा दिया, बाकी सारे टब्बर ने रज के खाया। अभी दोबारा से हम बुक शॉप पे जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमें दो मिली थी ना, दो और बुक्स रहती हैं, चलो पता नहीं कब आएंगी। चलें बुक्स हमने ले ली हैं, अभी चलते हैं। फाइनली कुछ कंप्लीट हो गई है, एक एक रखी आप, पता नहीं एक इसने गुम की है। वेलकम बैक, और अभी हम लोग आ चुके थे घर, और सारा सामान वगैरह मैंने रखा है, शुक्र है चीज़ें जो है वो मुझे मिल गई हैं। तो ना अच्छा यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि पहले दो दिन जो है वो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस वो चाय वाला क्लिप बनाया था, उसके बाद जो है ना मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गला ख़राब, ज़ुकाम, और तायर की तबीयत ख़राब हुई, तो उसके बाद जो है ना वो फिर हम सब की हो गई। तो बस फिर ना आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग जो है वो शूट कर लेती हूँ। अभी जो है मैं बना रही हूँ राइस, और साथ में बनाऊँगी शामी कबाब, तो बस उसकी तैयारी करने लगे हैं। और दो दिन ना बिल्कुल तबीयत इतनी ख़राब थी कि बिल्कुल ज़रा भी दिल भी नहीं चाह रहा था शूट करने को ना, व्लॉग शूट करने को ज़रा सा दिल भी नहीं चाह रहा था। तभी मैंने सोचा कि बस शुक्र है, वैसे तायर गए हुए इम्तियाज़, तो हमें ना घर छोड़ के तो वो इम्तियाज़ से ले गए थे, वहाँ से दो चार चीज़ें जो है ना वो लेके आनी थी, तो वो लेने गए हैं। यहाँ चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं, और बस ये वाला जो है ना ये बोनलेस मटन है, और इसको जो है ना ये अभी मैं थोड़ा सा मैंने रखा है उसके लिए, थोड़े से मैं पुलाव बना लूँगी, और थोड़ा सा जो है ना वो मैं उसके कबाब बना लूँगी। मैंने कहा ये थोड़ा सा मैंने अलग किया कि इसके का पुलाव बना लेंगे, खुदा को खौफ, और थोड़ा सा मैं बनाऊंगी बोनलेस का, मज़े का लगता है बोनलेस कढ़ाई बना ले, खाएंगे कढ़ाई। हाँ बोनलेस तो फिर कढ़ाई के साथ कबाब तो नहीं बनाऊंगी, कबाब नहीं कढ़ाई जो कह रहे हो, तो फिर कढ़ाई बनाओ, रेसिपी तो नहीं तुम्हारी चेंज हो गई। नहीं अभी तो स्टार्ट कर रही थी मैं, ये तो प्याज वगैरह तो कढ़ाई में बना ले यार, चावल अभी क्या है इतने। चलो ठीक है फिर रोटियां ला देंगे, फिर पुलाव बना ले, रोटियां ला दे मैं कढ़ाई बना देती हूं। लो नहीं ऐसे करो, मेरा काम नहीं बढ़ाना, तुम पुलाव बनाओ, अब तो कढ़ाई बनेगी। नहीं अब तो पुलाव, हां अब तो कढ़ाई बनेगी, लो बना लो। ये देखें क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये हर वक्त मोबाइल पे यही काम है इनका, ये एशिया का हर वक्त तो नहीं होता, दिन में 12 घंटे नहीं यार, हाँ 3 घंटे। चलो तो प्लान अब जो है ना, प्लान अब चेंज हो गया है कि अभी मैं बना रही हूँ कढ़ाई, बस इसमें थोड़ी सी रेसिपी जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि अनियन मैंने चॉप कर लिए थे पुलाव के लिए, और इसमें ये जो कढ़ाई में बनाती हूँ ना, जो मैं बनाती होती हूँ उसमें अनियन जो है वो नहीं डालती ज़्यादातर, बस टमाटोज और जिंजर गार्लिक पेस्ट ही डाल लेते हैं, तो उससे वो बहुत मज़े की जो है ना कढ़ाई बनती है। तो अभी बस इसमें अनियन फिर मैंने डाली है, मैंने कहा अभी ये ज़ाया हो जाएंगे, यहाँ पर मैंने बस दो अनियन जो है ना, ढाई अनियन, छोटे छोटे ढाई अनियन मैंने दिए, तो ये मैंने इसमें डाले हैं। अभी मैं इसमें ना सॉल्ट जो है थोड़ा सा डाल देती हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून, बाकी बाद में देख के डालेंगे। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट,
ज़रा थोड़ा सा पतला बन गए। ले आए फिर आप, मैं उसमें रख दूंगी डब्बे में। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये फ्राई हुए है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन, तो अभी मैंने इसमें मटन जो है ये बोनलेस मेरे पास है ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। जब ये वाइट होगा तो फिर मैं इसमें टमाटो जो है ना डाल दूंगी। ये वाले तीन लार्ज साइज के टमाटोज थे जिनको मैंने बारीक पेस्ट बना दिया और ये मैं इसमें डालूंगी। फिर ये वाइट हो जाए, फ्राई बनना शुरू भी हो गई है। हाँ जी, अभी इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ थोड़ी देर के बाद और फिर दोबारा से इसी में फ्राई करना। धोखा हो गया? नहीं धोखा नहीं है, अभी सारा बन तो यही रही है ना, जो टेस्ट आना होता है जो सब कुछ होना, बस गलने का वो है कि देर ना लगे तो फिर वो। हाँ, जल्दी कर दो यार, सब कुछ जो है ना मार दिए। इतनी तबीयत खराब, दो दिन से मेरी भी और इनकी भी, कि हिला ही नहीं जाता सारा सारा दिन, बॉडी पेन। अच्छा अभी यहाँ पर मैं ना, ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर कढ़ाई मसाला है, कढ़ाई गोश्त मसाला, तो ये जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि बस थोड़ा सा था तो मैंने कहा चलो अभी रेसिपी चेंज हो गई है तो अभी इसको चेंज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये डाला है, वैसे जिस तरह की मैं बनाती हूँ उसमें सिर्फ गर्म मसाला और काली मिर्च जाती है, कुछ भी नहीं जाता। तो मतलब वो जो शिनवारी कढ़ाई होती है वो बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर बस अभी ये डाला है और अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये टमाटो प्योरी। अच्छा अभी ना मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। वैसे इसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद इसको रखना था मैंने गलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ जल्दी। अब तक तो ये गल गया होगा। ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह जो है ना वो गल चुका है, तो अभी मैं इसको इसमें शिफ्ट करने लगी हूँ, इसको धोती हूँ अभी पहले। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको फ्राई किया है और इसमें मसाला जो है ना वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया क्योंकि ताहिर को मसाला जो है ना वो कढ़ाई में ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको अभी थोड़ा सा और फ्राई करूँगी तो फिर ये हो जाएगा रेडी। अच्छा यहाँ पर ना इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है और हरा धनिया भी चॉप करके डाला है, इसके अलावा ग्रीन चिलीज भी डाल दिए। तो ये बस अभी हो जाएगा रेडी, रोटियां आ गई हैं। और एक और बात मुझे आपसे करनी थी कि बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो मुझे कमेंट करके पूछ रही हैं, मैसेजेस करके पूछ रही हैं इंस्टाग्राम पे कि जो सैलाब जदगान हैं उनके लिए आप कुछ, मतलब आप कुछ कर रही हैं ऐसा कि आप जाके उनको दें, हम आपको भिजवा दें और आप जाके उनको दें। तो मैं यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगी इन सिस्टर्स को कि आप ना जब भी कोई अपना पैसा देना चाहते हैं तो आप पहले देखा करें, तहकीक किया करें कि हाँ सही तरह से हकदार लोगों तक वो पैसा पहुँचता है या नहीं पहुँचता। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी यूट्यूबर को भेजेंगे तो वो यूट्यूबर खुद खा जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो यूट्यूबर आप, मतलब एक बंदे को आपने एक बार भेजे, फिर दूसरी बार भेजे, फिर तीसरी बार भेजे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही साइड पे, एक ही मतलब बहुत महदूद हद तक जो है ना वो बहुत महदूद एरियाज तक वो जा सकती हैं। तो किसी ऐसी जगह पर भेजें जो बहुत, मतलब जिनका बहुत बड़ा सेटअप हो और जो स्पेशली जो ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ है ना। यहाँ पर ये हो रहा है कि कुछ जो है ना कुछ लोगों का नुकसान कम हुआ है तो उनको बार बार चीज़ें जो है वो मिल रही हैं और वो ले रहे हैं, और कुछ लोगों का जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वो बहुत आगे हैं, वहाँ तक जाना जो है ना बहुत मुश्किल है। आम यूट्यूबर्स, हम आम लोग जो है ना वहाँ पर नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पर भेजें जो लोग वहाँ तक पहुँच भी सकें, खुद तहकीक करके, खुद देख के जो है ना फिर पैसे दें। क्योंकि जो हमारे ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जब पैसा दे रहे होते हैं, ज़कात का होता है, खैरात का होता है, सदके का होता है, जो भी होता है, तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है ना हम सही जगह पर सही तरीके से पहुँचाएँ।
तो यही बस मैं कहूँगी कि मैं इस तरह का कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मुझे नहीं पता कहाँ तक जो है वो मैं, आपको वैसे ही पता है कि मेरा इतना ज़्यादा मेरी पहुँच है भी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं और बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो आजकल, और गवर्नमेंट का तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जैसे सैलानी वेलफेयर है, बहुत सारे हैं, और JDC है, इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो जो जाते हैं, जा सकते हैं ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जो बहुत आगे तक बेचारे फंसे हुए हैं, जहाँ पर कच्ची बस्तियाँ वो बेचारे बना रहे हैं बहुत आगे, तो उनको जो है ना वो आप फिर आराम से पहुँचा सकते हैं। चलें अभी खाना जो है वो हो गया है रेडी, और सोच रही हूँ कि इसी तरह ये कढ़ाई उठा के ले जाती हूँ, बस इसी में ही ना खा लेंगे, मतलब इसी में ही ले जाएंगे, ये इसी में से डाल डाल के प्लेटों में खा लेंगे। तो रोटियाँ जो है वो आ गई हैं, ये देखें। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।